देखो बेटा, एक सवाल करा रहा हूँ तुम्हें। ऑनलाइन वाले आ गए, जैसे ये करेंगे, अगर इसे किसी भी चैप्टर में ले जा सकते हैं, 7 चैप्टर हैं ये। जैसे मैं एक करंट कैरिंग रिंग की बात करूं, इसमें करंट जा रहा हो ऐसे आई, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये ना स्ट्रेच होगी बाहर की तरफ, जैसे ये एलिमेंट है इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना? दूसरा एलिमेंट है कोई, उस पे भी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे ये बाहर की तरफ, हाँ, अंगूठा ऐसे देखते हैं करंट की डायरेक्शन, तो ये ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगा बाहर की तरफ, तो स्ट्रेच होगा ये, तो इसमें टेंशन बतानी है। यही सवाल अगर मैं तुम्हें कहूं कि बेटा जैसे ये देखो, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज दे दिया हमने, अलग अलग चैप्टर में आता है, फ्लूइड में भी आएगा कि इस पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, मान लो क्यू, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू नोट रख दूं, तो देखना ये रिपल्सिव चार्ज होगा, हर जगह रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, इस पे फोर्स लगा बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ, है ना? तो ये रिंग पे नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन ये स्ट्रेच होगी। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक दो केस और दिखाता हूं। देखो अगर मान लो जैसे सरफेस टेंशन है फ्लूइड मैकेनिक्स, ऐसे दो मेटल की रिंग ली हमने, वापस में एडजस्ट उन्होंने ज्वाइन कर रखा है ताकि एक सिस्टम बन जाए, इमेजिन कर सकते हो, ऐसे एक जैसे कड़ा है, ऐसे एक और कड़ा, और बीच में अटैच कर दिया, वेल्ड कर दिया, तो ये रुक सकता है ना इक्विलिब्रियम में। अब क्या करा, इस पूरे सिस्टम को पानी के वो सॉफ्ट वाटर में लेके गए ऐसे, तो सॉफ्ट वाटर की फिल्म बनेगी ना, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी, इसको हटा दिया है, इस वाली फिल्म को, ठीक है? तो क्या इस पे बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से, लगेगा नहीं लगेगा? तो स्ट्रेच होगी ना अंदर वाली रिंग, इसमें भी टेंशन डेवलप होगी, ठीक है? तो इस तरीके से कहीं भी हो सकता है। ऐसे एक और सवाल मान लो, ये एक टेबल है, ठीक, और ये टेबल ना ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है, इसके एसिस पे ना एक चेन रख दी हमने टेबल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर ऐसे रिंग है, तो आप ऐसे रख दी, और ये टेबल के साथ घूमेगी नहीं फिर, अगर टेबल पे रखी, इतना फ्रिक्शन मान लो कि ये पूरी घूम रही है इसके साथ, अब ये रोटेट करना शुरू कर दे, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेबल का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस चेन को बाहर की तरफ धक्का देगा, तो ये ऐसे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा इसमें, डेवलप होगी नहीं होगी? तो ये टेंशन कैलकुलेट करनी है, और भी सवाल हो सकते हैं, तो इसका हम एक फॉर्मूला बना देते हैं और हर क्वेश्चन में फिर उसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? कैसे, जैसे हमने मान लिया कि वजह कोई भी हो, तो फोर्स मान लो रेडियली बाहर की तरफ लग रहा है, जैसे हमने एक रिंग मान ली है, और भैया इसका रेडियस है आर, ठीक है? मान लो हर एलिमेंट पर, अभी मैंने इतने केस दिखाए, सब में फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था ना, ऐसे खींच रहा था ये, तो हम यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है? तो इस पे फोर्स बाहर की तरफ कैसे लगेगी, बी एफ ऐसे। अब ये एलिमेंट इस रिंग के अंदर है, जिंदा है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, यहीं रुका हुआ है ना? तो भैया अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अच्छा कौन रोक रहा होगा इसको, तो इस रस्सी में ना स्ट्रेचिंग में, हाँ बेटा दौड़ो जल्दी बैठो, तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है? तो जैसे हमने यहां मान लिया कि टेंशन टी है, टेंशन टेंजेंट के लोग होंगे नहीं ऐसे, टेंशन हमेशा रस्सी के लॉन्ग होगी, लेंथ के लॉन्ग, तो टेंजेंट के लॉन्ग, तो इस एलिमेंट पे ऐसे लगनी चाहिए नहीं? अब हमने ये ऐसे एलिमेंट ले लिया कि भैया ये एंगल डी थीटा है, ठीक है, डी थीटा। तो देखो जरा, ये एलिमेंट हो गया हमारा, ये एलिमेंट है, अब हमें इसका इक्विलिब्रियम देखना है। अच्छा ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर लूप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये टुकड़ा इससे गया तो नहीं ना, अलग तो नहीं हुआ, अभी सिस्टम के अंदर है। तो तुम देखो एक लाइन खींचो ऐसे, ये डी थीटा, तो एंगल कितना होगा बच्चों, डी थीटा बाई टू, ऐसे मैंने यहां एक लाइन खींची, तुम देखो ये टेंशन इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, यहां एंगल 90 है ना? अगर ये डी थीटा बाई टू है,
तो अंदर वाला, ये वाला एंगल 90 देख पा रहे हो, तो ये एंगल कितना होगा बोलो बच्चों? 90 माइनस डी थीटा बाय 2 है ना। तो अब देखो तो ये एंगल कितना होना चाहिए बच्चों? डी थीटा बाय 2 ठीक है, ये एलिमेंट है तो ये एंगल डी थीटा बाय 2। तो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, तो टी कॉस डी थीटा बाय 2 और टी का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा टी साइन डी थीटा बाय 2। भाई इसको हमने ऐसे रिजोल्व करा, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखेंगे वर्टिकल, ये जो हम पढ़ चुके हैं हर जगह इक्विलिब्रियम होता है, तो नेट फोर्स इन एक्स जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो अगर ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि रिंग के अंदर है अभी, ये टूट के भागा तो नहीं है ना, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। तो ये डी थीटा बाय 2, तो टी का अदर कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाय 2 और इधर की तरफ टी साइन डी थीटा बाय 2 ठीक है। अब देखना बच्चों, अगर ये नेट फोर्स इस पे हमने एक्स डायरेक्शन में देखा, तो जितना राइट डायरेक्शन में फोर्स है उतना लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स, यहाँ टी और डीएफ को रिलेट कर सकते हैं, देखना डी नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो, तो डीएफ बाहर की तरफ है ना और अंदर की तरफ टू टी साइन डी थीटा बाय 2, मानते हो बच्चों? और कई बार बता रखा है कि जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को कर सकते हो, थीटा ना एक तो ये पहले से बहुत छोटा, कैसे पता लगा सर आपको? डी थीटा और उसका भी आधा कर दिया तुमने, तो बहुत छोटा हो गया ना ये, तो साइन थीटा को क्या लिख देंगे? थीटा यानी कि डी थीटा बाय 2, 2 टी डी थीटा बाय 2, 2 से 2 काट दो, डी एफ इक्वल टू आ गया टी डी थीटा। आज से ना ये फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम क्या करेंगे? किसी भी क्वेश्चन में करेंगे, जैसे जितने भी मैंने ऊपर दिखाए, कोई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं करना, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है डी एफ इक्वल टू टी डी थीटा ठीक है। अब मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूं, फिर तुम नोट कर लेना इसको। देखो जैसे पहले इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, अभी अभी आप फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ के आए हो है ना, पढ़ाया ना तुम्हारे बैच ने। देखो जैसे इसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका रेडियस है आर इस रिंग का ठीक है, और ये फिल्म है वाटर की, लिक्विड फिल्म है, तो इस पे बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा, अगर तुम ऐसे एक एलिमेंट ले लेते हो यहाँ डी थीटा और सरफेस टेंशन की वजह से बाहर की तरफ फोर्स, तो डी एफ इक्वल टू टी डी थीटा लिख लो। और डी एफ कितना होता है? तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ होता है ना, तो सिग्मा इंटू डी एल इस एलिमेंट का लेंथ और टी डी थीटा, और एक यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें स्पेशली। सर ये क्यों करा? क्योंकि फिल्म में 2 सरफेस। अब देखो सिग्मा डी एफ कितना होगा बच्चों? तो रेडियस इनटू, तो ये बात पता है ना आपको कि जैसे कोई भी लेंथ होती है, जैसे ये डी थीटा है, ये रेडियस है, तो ये लेंथ कितनी होती है बच्चों? डी एल इक्वल टू आर डी थीटा होती है, नहीं गलत लिख दिया, डी थीटा इक्वल टू डी एल बाय आर, तो मैंने यहां रख दिया इसको आर डी थीटा और टी डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा है ना, देखना टी कितना आ गया 2 सिग्मा आर। अब बिल्कुल ऐसे ही समझ में आया, टेंशन आ गई, तो यहां से शुरू करना है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में नहीं बैठ के बनाना तुम्हें, एलिमेंट एलिमेंट होंगे नहीं, ये याद रखना है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ कर, ये वाला जाओ, चलो ये देखो ये कराता हूँ मैग्नेटिक फील्ड वाला, तुम्हें याद होगा ये फॉर्मूला, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बी हो और कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो आई बी एल होता है फॉर्मूला, थोड़ा बहुत याद आ रहा है IBL। तो देखना जरा, यहाँ एक एलिमेंट ले लो ऐसे, रेडियस आर है मान लो रिंग का, इस पे बाहर की तरफ लग रहा होगा डी डी एफ, टी इधर टी इधर, बिल्कुल सेम डी एफ इक्वल टू टी डी थीटा, और डी एफ कितना होगा? आई बी डी एल टी डी थीटा, आई बी डी एल की जगह ये डी थीटा है, क्या रखोगे बेटा इसको? आर डी थीटा टी डी थीटा, कितना हो जाएगा ये बी आई आर ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला तुम करोगे, और मान लो ये रिंग है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख रखे हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ के आए हैं सब, एक दो ने नहीं पढ़ा, तो
अब ये घूम रही है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल से ना स्ट्रेच होगी बाहर की तरफ, ऐसे रिंग ऐसे बाहर की तरफ, तो हमें इसमें टेंशन बतानी है। देखना जरा, रेडियस आर, तो मैंने ये एलिमेंट लिया बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ना डीएफ, डीएफ इक्वल टू टी डी थीटा, और डीएफ डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ऐसे लिखा। डीएम कितना होगा बच्चों, इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा मान लो, लैम्डा क्या होता है, मास अपॉन टोटल, पता है ना बात, और डीएम कितना लिखोगे, लैम्डा इंटू डीएल ओमेगा स्क्वायर आर टी डी थीटा, और लैम्डा डीएल की जगह आर डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर टी डी थीटा, ठीक है, डी थीटा से डी थीटा काट दो, ठीक, टेंशन कितनी आ गई, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, लैम्डा की जगह ये रख दो, इस तरीके से टेंशन कैलकुलेट कर ली। इसका हम साउंड में भी इस्तेमाल करते हैं, साउंड के ऊपर रस्सी के ऊपर वो रस्सी की वेव जो होती है उसकी स्पीड भी इसी से लिख के जाती है, ग्रेविटेशन में भी हो सकता है, ग्रेविटेशन में क्या होगा, यहाँ मास रख दो तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, तो डीएफ अगर अंदर होगा तो फिर यहाँ टेंशन नहीं, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, तो वहां ग्रेविटेशन में डीएफ इक्वल टू एन डी थीटा लिख देते हैं। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का कर सकते हो, मेन मुद्दा क्या है ये याद रखना है आपको, ठीक है बच्चों, अब इसको नोट करो, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्वेश्चन है उसका आंसर दो, ऑनलाइन वालों तुम भी लिखो कमेंट बॉक्स में।